आज हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, संबंधवाचक में संबंध शब्द से यहाँ पे जो अर्थ है वह है जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जैसा और जिसकी सर्वनाम शब्द वाक्य में दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अर्थात जैसा शब्द के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, यानी जैसा और वैसा। ये कैसे शब्द हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। ऐसे ही दूसरे वाक्य में जिसकी और उसकी, इन शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा हुई कि जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिन शब्दों से या फिर जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि जैसा सर्वनाम के द्वारा वैसा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट किया जा रहा है, यानी दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में जिसकी सर्वनाम शब्द के द्वारा उसकी सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट किया जा रहा है, यानी जिसकी और उसकी शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है, अतः ये कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। इस प्रकार से जिन शब्दों के द्वारा एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, कौन आया है, नानी के घर कौन जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि इन वाक्यों में क्या और कौन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, यानी क्या और कौन शब्द प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा हुई कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिससे आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है आप उन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सकें, यानी आप जान सकें कि आपने क्या सीखा है। तो पहला प्रश्न है, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में कौन आया है, उपयुक्त रेखांकित शब्द में सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम।
आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि उपयुक्त वाक्य में कौन शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आज जिसे देखिए वही दौड़ता भागता नजर आता है, उपयुक्त रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, इसका सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि उपयुक्त वाक्य में जिसे और वही शब्द के द्वारा दो वाक्यों के बीच में संबंध प्रकट किया जा रहा है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है तुम क्या कर रहे हो, उपयुक्त रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि क्या प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए उपयुक्त रेखांकित शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्या, कौन, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा प्रश्न करने के लिए ही किया जाता है, अतः ये कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा, उपयुक्त रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम, इसका सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि उपयुक्त वाक्य में जो और सो शब्दों के द्वारा दो वाक्यों के बीच संबंध प्रकट किया जा रहा है, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है या फिर संबंध स्थापित किया जा रहा है, अतः उपयुक्त रेखांकित शब्दों में संबंधवाचक सर्वनाम है।